टाइम से लगेगा। रोहित ने 2000 का नोट नहीं देखा। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, इसलिए कि मजाल है जो कोई कपड़े खरीद लिए हो रोहित ने और कोई शर्ट वगैरह नहीं ले लिए हो या कोई जैकेट नहीं ले लियो, ये तो ये पैसा ही खर्च नहीं करता। व्यूअर्स लेकिन ये जरूर है, जय हिंद दोस्तों, मो डिडिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे आरबीआई ने कहा है कि 30 दिसंबर तक सभी भारतीयों को अगर उनके पास 2000 रुपये के नोट है तो उन्हें एक्सचेंज करवा ले, वरना 30 सितंबर के बाद से वो 2000 के नोट लीगल टेंडर होना बंद हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बात करे कैसे भारत में फिर से डीमोनेटाइजेशन शुरू हो गया है और अब ये सिर्फ 2000 रुपये नोटों के लिए है। और आज जो इस पे रोहित का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक मजाक में कह रहे कि रोहित के पास तो 2000 के नोट होंगे ही नहीं, तो रोहित को कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अभी शो से पहले एक बात कर रहे थे कि 2000 का नोट हुआ करता था। वैसे हमारे यहाँ 500, 1000 और 5000 का नोट है। 10000 का हम सुन रहे हैं कि शायद आ जाए, पता नहीं आता है नहीं आता, आई डोंट नो। लेकिन आप कह रहे कि बंद किया गया। लेकिन मुझे ये है कि रोहित को किस बात की टेंशन है? रोहित तो ये पता नहीं है जिसने मुझे, ये तो आप बहुत पूछ टाइम से लीजिएगा। रोहित ने 2000 का नोट नहीं देखा। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, इसलिए कि मजाल है जो कोई कपड़े खरीद लिए हो रोहित ने और कोई शर्ट वगैरह नहीं ले लिए हो या कोई जैकेट नहीं ले लियो, ये तो ये पैसा ही खर्च नहीं करता। व्यूअर्स लेकिन ये जरूर है कि अगर मैं इंडिया आई तो मैं एटीएम से पैसे निकाल के और रोहित के लिए शॉपिंग करूंगी, अपने लिए नहीं। क्योंकि यार कुछ तो मतलब देखना तो हमें पड़ जाता है ना वैसे सामने शो में, तो कोई कपड़े खरीद लो, नहीं तो मैं आके दिलवा दूंगी, मैं आ रही हूँ व्यूअर्स वैसे को ही मैं आपके बता दूं, पास। व्यूअर्स की यकीन करें कि ऐसी कोई बात हमारी इससे पहले नहीं हुई थी। अगर आप ये कुछ समझते हैं कि हमने शायद आरजू को, मैंने या रोहित जी ने, कोई हमने कोई ऐसी बात नहीं की 2000 नोट का, हम एक सीरियस नोट पे उसको लेके आना, यानी नोट को हम सीरियस नोट पे लेके आना चाहिए। वैसे नोट होती भी बड़ी सीरियस चीज है, लेकिन अब क्या करें कि उन्होंने कहा कि वो घूम फिर के ना कहानी नहीं कहाँ पे आ गई मैंने है। मैं आ रही हूँ रोहित, और 2 दिन के लिए आ रही हूँ और उसमें से एक पूरा दिन मैंने आपको शॉपिंग करानी है, जबरदस्त, क्या और बात आई है। होप कि एटीएम से पैसे निकल आएंगे, पाकिस्तानी कार्ड चल जाएगा उसमें, ना चला तो लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, अमेरिकन बैंक है मेरा, चल जाएगा। लेकिन ये है कि वो अमेरिका तो हर 2000 के जगह नोट के चलता लिए है। मुझे नहीं समझ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जब गोल्ड का भाव बढ़ता है कि गोल्ड की प्राइस हाई हो गई या डॉलर की हो गई, तो सबसे ज्यादा हमारे जैसे लोग परेशान हो रहे होते हैं जिन्होंने ना तो गोल्ड खरीदना होता है ना डॉलर से कोई लेना देना होता है। तो वही हाल जो है वो रोहित का है, तो यार 2000 का नोट बंद कर दिया मोदी जी ने। वैसे ऐसे ने भी 2 साल से नहीं देखा, लेकिन फिर भी मोदी जी ने बंद कर दिया, तो ये वैसे हो परेशान है। सकता है कि रोहित भाई ने, मतलब वो जो 3000 करोड़ ये कह रहे, हो सकते हैं उसमें से कुछ 100 करोड़ जो इनके पास भी पड़े हो, दो दो हो हजार के नोट, सकता है, ये तो हम नहीं कह पॉसिबल सकते। है। ये लेकिन जो ये हमें पीछे नहीं पता, ये ना डिजाइन के जो भी है, पीछे किसी वॉल का भी डिजाइन, वो मुझे कुछ वो लग रहा है बच्चन साहब की मूवी की तरह ना, मुझे कुछ शक हो रहा है इसमें से ये दीवार ये फुलती होगी और पीछे एक दरवाजा और होगा, उसके अंदर गड़िया पड़ी इतनी बड़ी होंगी। बड़ी सोने की ईंटें रखी हुई होंगी ओ रोहित। माय गॉड, ओ माय गॉड। वैसे ये ना हो कि अब सीबीआई के कोई लोग कहें कि यार ये लगता है कि बस मुकेश अंबानी या अडानी साहब जो हैं, जिस तरीके से, ऐसा नहीं है। रोहित हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और मतलब जर्नलिस्ट है, अपनी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं ऐसे लगता। ही दो बाकी चीजें बाकी आरजू ने कह दिया, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी बात का यकीन ज्यादा किया जाता है, हो सकता है मेरी बात का यकीन कोई इतना नहीं दो चीजें, दो चीजें मैं बोलना ना चाहूंगा, करे। दो जरूर चीजें। जरूर। एक तो आरजू जी के लिए मैं आज ही चिट्ठी लिख रहा हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि इनका वीजा बिल्कुल रिजेक्ट ना हो, ये मुझे कमीजें खरीदवाने आ रही है। दूसरी चीज, मैं शॉपिंग ऐसी जगह करवाऊंगा जहां पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कैश से, डायरेक्ट कार्ड से कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। ठीक यस, है, ठीक है ना, डन कैश की डन जरूरत हो ही नहीं गया। पड़ेगी। और मैं इतनी चीप हूं ना कि मैंने आपको जो चीज भी देनी है मैंने ट्विटर पे लगा देनी है, मैं अभी बता रही हूँ। नहीं, वो व्यूअर्स तो फिर आप मैडम तैयार रहे आप कि क्या क्या तो खरीदारी मैंने होगी, क्या देखो, क्या खरीदारी होगी, वो सारा फिर मुझे ट्विटर पे कोई आज। शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप जितना बिल्कुल ज्यादा खरीदवाए, मुझे गोल्ड ज्वेलरी भी देंगी, मैं ले लूंगा, टेंशन नहीं आहा, है। ठीक है, नहीं, हो सकता है बेशरम होना चाहिए रोहित जी, नहीं मेरे गोल्ड ख्याल से ज्वेलरी उसमें तो मैं कौन सी अपने लिए शर्म। लूंगी, लेकिन ये मैं यहाँ पे बिल्कुल कह रही हूँ कि मैं रॉयट जी के लिए बिल्कुल शॉपिंग करूंगी। और और इंडिया में ही इज वन ऑफ माय बेस्ट 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 फ्रेंड,
जिनको मैं कुछ भी कह देती हूँ ये माइंड नहीं करते, हमारी तरह हो गए, ढीठ हो बात गए, हमें भी पूरी दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलते, पे असर ही नहीं होता, वो नहीं राइट होना पे भी नहीं नहीं होता। चाहिए। और तीसरी मैडम एक चीज, ये पिंक वाली शर्ट मैंने कल ही निकाली है आपके शो के लिए, राइट? हाँ, मुझे नई नई सी लग रही थी, मैं समझी शायद साथ वालों से ली है। और चौथी चीज, अगर अगले 4 दिन में मेरे घर पे इनकम टैक्स रेट पड़ी तो आपको मैं छोड़ूंगा, आप इंडिया आ रहे हो। यकीन करो, मुझे यही लग रहा, मुझे यही लग रहा कि ये रेट पढ़वाएंगी पढ़वाएंगी वैसे ही, क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो सुना है बड़ी सख्ती होती है इस हवाले से। तो भाई मुझे, मैं तो रोजी के साथ खड़ा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कहानी है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी बात पे शायद कोई यकीन ना करके गए भी कह रहा है ये झूठ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं तो आज रोहित के साथ, और रोहित आज के साथ ऐसा मजाक करते रहते हैं, और ये मजाक करना कब से शुरू हुआ ये मुझे पता नहीं, पर ये कई महीनों से चल रहा है। तो 2000 रुपये नोट के बैन के ऊपर भी इन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया है, और वैसे भी RBI ने जो कहा है कि RBI के मुताबिक 2017 के बाद से 2000 के कोई ज़्यादा नोट या कोई भी नोट RBI ने जारी नहीं किए, और हर नोट का लाइफ स्पैन 5 साल तक होता है, मतलब कि अगर 2017 में आखिरी नोट RBI ने जारी किया होगा तो 2030 तक उनका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो चुका होता। तो इसीलिए अब RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया ताकि जिनके पास भी पुराने 2000 रुपये नोट हो वो बैंक में उसे जमा करके उसके बदले में जो अभी लीगल है और जो नए नोट है वो ले सके। तो इसीलिए RBI ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, तो इसका जो डिटेल है वो फ्यूचर में RBI अपने नोटिफिकेशन या कोई स्टेटमेंट में ज़रूर बताएगी। तो ये अभी नई न्यूज़ है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो इसमें क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि लोग जो कह रहे हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन है, तो ये वैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में 4 घंटे में ही आपके सारे नोट बैन हो गए थे, या लीगल जो टेंडर होता है वो होना बंद हो गया था। RBI ने नोट चेंज करने के लिए यहाँ पे सितंबर तक का टाइम दिया है, तो ये डीमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन नहीं है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय है अपने नोट चेंज करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।